दो बातें अक्ल का ऐब हैं, कहने के वक्त चुप रहना और चुप रहने के वक्त बोलना। इज्जत करो उन लोगों की जो अपनी मसरूफियत में से आपके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन मोहब्बत करो उनसे जो आपकी खातिर सारी मसरूफियत भी तर्क कर देते हैं। इंसान जिंदा होने के बावजूद जिंदगी को नहीं समझ सकता, वो मरे बगैर मौत को कैसे समझ सकता है? औरत की किस्मत का इन्हिसार इसकी तालीम या खूबसूरती पर नहीं है, बल्कि इसकी ज़िंदगी में आने वाले मर्द पर होता है। ज़िंदगी की तलखियों में खुश मिजाज बीवी का साथ ही अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, जो वफादारी, अपने मीठे बोल और अपनाइयत के एहसास से ही शौहर के सब गम दूर कर देती है। कुछ लोगों से हमारा खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन फिर भी इनसे अपने पन की खुशबू आती है। मर्द नाम होता है एतबार का, वो शख्स मर्द नहीं होता जिसको अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल ना हो, वरना एक हकीकी मर्द अपनी ख्वाहिशात की आग में जल जाता है, लेकिन मोहब्बत करने वाली औरत से कभी बेवफाई नहीं करता। जो शख्स आपसे मोहब्बत करता है वो आपको जहनी अजियत नहीं देता, वो आपकी गलतियां नहीं पकड़ता, वो आपको परेशान नहीं करता, वो आपको समझता है और आपको मोहब्बत देता है। किसी को उदास पाओ तो नसीहत करने की बजाय उसे सुन लिया करो, एहसास से, मोहब्बत से, बिना किसी अर्ज के। अतात का मज़ा ही तब है जब दिल जख्मी हो, आंखें अश्क बार हों, दिल रूह और सर महबूब के दरबार में सजदे में एक आवाज़ कहते जाएं, ऐ मालिक गफूर रहीम, तेरे सिवा कोई नहीं, बस तेरी ही बंदगी मेरी रूह की आसूदगी है। जिस शख्स से मोहब्बत हो जाए ना, उसकी आखिरत के बारे में सोचा करो कि उसे कैसे बेहतर बनाया जाए, ये तुम्हारी मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील होगी। तेरी दाढ़ी तेरे बाद पैदा हुई मगर सफ़ेद हो गई, लेकिन तू अभी तक वैसे का वैसा काला है। काश इंसान भी नोट की तरह होते कि बंदा रोशनी में करके देख लेता कि अंदर से कैसा है। परेशानी खामोश रहने से कम, सब्र करने से ख़त्म और शुक्र करने से खुशी में तब्दील हो जाती है। लोगों के लिए एक खुली किताब ना बने, हर किसी को अपना समझकर अपने राज ना बताएं, दूसरों के लिए अपनी ज़ात के पर्दे ना खोलें, क्योंकि लोग आपको जानने के बाद आपकी इज्जत और एहतराम करना कम कर देते हैं। किसी रिश्ते पर अंधा एतबार एक ना एक दिन आपको इस मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जहां आप शिकवे शिकायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि कसूर आपका अपना होता है। तमाम जानदारों में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है। अजीब बात है, इंसान के अलावा कोई कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता। जितनी बड़ी खता होगी उतनी ही बड़ी अता होने वाली है, बशर्त ये कि इंसान सच्चे दिल से तौबा कर ले। जो तुम्हारे नसीब में नहीं वो तुम्हें मिलेगा भी नहीं, चाहे वो तुम्हारे दो होंठों के दरमियान में ही क्यों ना हो। इस चीज़ का गम ना करें कि आपने गलत इंसान पर अपनी मोहब्बत ज़ाया कर दी है, क्योंकि अल्लाह ताला वही मोहब्बत आपको सही इंसान के ज़रिए वापस लौटा देगा। जब आप मुझ में कोई ऐब देखो तो मुझसे कहो, किसी और से नहीं। मुझसे कहोगे तो नसीहत कहलाएगी और अजर लिखा जाएगा। अगर किसी और से कहोगे तो गइबत कहलाएगी और गुनाह लिखा जाएगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। कितना मुश्किल लगता है ना दिन भर की मसरूफियात के बाद तन्हा बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करके किसी की बातों को याद करना और फिर रो देना। नेकी तेरे दिल का नाम है, तेरे अंदर का नाम है,
तेरे बातिन का नाम है, तेरी नियत का नाम है, और नियत अल्लाह के फजल का नाम है। कभी कभी हम जाहिर आगे बढ़ चुके होते हैं पर जहनी तौर पर कैद होते हैं। इस एक लम्हे में जिसने हमारा जहनी सुकून बर्बाद कर दिया होता है। जब जिंदगी के मामलात अड़ जाएं तो समझ जाओ तुमने दूसरों के मामलात अड़ाए हुए हैं। आसानियां दो आसानियां मिलेंगी। शरीके हयात बिला वजह नाराज़ रहने लगे तो समझ जाएं कि उसे ज़रूरत है तवज्जो और मोहब्बत की। इससे लड़ने की बजाय इसके एहसासात को समझने की कोशिश करें और गौर करें कि आपके रवैये मोहब्बत और तवज्जो में कहाँ कमी आ रही है। अगर कोई शख्स गलती ना होने पर भी आपसे माफ़ी मांग लेता है तो समझ लें कि आपसे ज़िंदगी भर रिश्ता कायम रखना चाहता है। पूरी दुनिया का इंसान तरक्की के बावजूद सुकून के एक लम्हे के लिए तड़पता फिरता है, इसलिए कि इसका तमाम तर रुख तरक्की और प्रोग्रेस की तरफ है, फलाह की तरफ नहीं। आदमी को मरते दम तक ज़िंदा रहना चाहिए और इसके किरदार को मरने के बाद भी। दोस्ती का भर्म सिर्फ वो लोग रख सकते हैं जिनके वजूद में समंदर जितना दिल हो। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि हर चीज़ उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, लेकिन ज़ुबान पर फिर भी यही बात होती है, अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर करता है, अल्लाह तेरा शुक्र है। औरत को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। खुदा जब मदद करने पे आता है तो लामालूम से कोई सबब पैदा कर देता है और ना होने से होना निकाल देता है।